नमस्कार दोस्तों, आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूं जिनसे आपका चैनल अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा। ये 3 टिप्स आपको 10 से 15 दिनों के लिए अपने चैनल पे ट्राई जरूर करना है। आपको ये 3 टिप्स अपने न्यू चैनल पे अप्लाई करनी है, एकदम न्यू चैनल बनाना है और उस पे ही अप्लाई करना है। जब मैंने न्यू चैनल बनाया था तो ये 3 टिप्स अप्लाई की थी और आज मेरा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है अपना चैनल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये 3 टिप्स के बारे में आज का वीडियो। ट्रिक नंबर 1 में आपको क्या क्या करना है वो बता देता हूँ कि आपको वीडियो किस टाइप का अपलोड करना है और वीडियो कौन सा वीडियो आपको अपलोड करना है उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको वीडियो हमेशा शॉर्ट ही अपलोड करना है। बड़े वाले वीडियो आपको बिल्कुल ही अपलोड नहीं करना है। शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा व्यूज मिलेंगे, जैसे कि मेरे चैनल पर बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं शॉर्ट वीडियो पर। तो दोस्तों आपको हमेशा शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करना है। और दोस्तों आपको बता दें कि दिन में 10 से 15 वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है फर्स्ट 15 दिनों के लिए आपको चैनल पे पूरा ध्यान रखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 2 में मैं आपको बता देता हूँ कि थंबनेल का तो कोई रोल है ही नहीं। तो दोस्तों आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो तो थंबनेल तो आपको लगाना ही नहीं है। जो भी आपकी वीडियो में थंबनेल रहता है वही रहने दो। आपको सिंपल सा टाइटल में ध्यान रखना है। टाइटल में आपको टैग्स यूज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। चलिए गाइज बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। ट्रिक नंबर 3 में मैं आपको वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा, किस टाइम आपको वीडियो अपलोड करना है। तो दोस्तों मॉर्निंग में आपको वीडियो अपलोड करना है तो 6:30 से 8:30 तक आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको नाइट में वीडियो अपलोड करना है तो आपको 7:00 से 9:00 तक आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों स्क्रीन पे जो वीडियो आप देख रहे हो वो मैंने YouTube स्टार्ट किया तब का है, जब मेरे 15 दिन हो गए थे तब का है। जो कि मेरे को रिस्पांस मिला वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो कॉमेंट करके ज़रूर बताना और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।